हिमाचल में ये कहा गया था कि मंदिरों को 8 तारीख को खोल दिया जाएगा, जिसके चलते जहां सोलन शहरवासी खुश थे कि उन्हें माता का आशीर्वाद लेने का अवसर मिलेगा, वहीं मंदिरों के आसपास बनी दुकानदारों को भी आस जग गई थी कि उनका व्यवसाय आरंभ हो जाएगा। लेकिन मंदिर न खुलने से उन्हें बेहद ही हताशा हाथ लगी है। आपको बता दें कि जून माह सोलन शहरवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दिनों शूलनी माता अपनी बहन से मिलने उनके मंदिर जाती है। माता के नाम पर जून माह के अंत में शूलनी मेला मनाया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण अब सब कुछ स्थगित करना पड़ रहा है। इस महीने में पिछले काफी वर्षों से सोलन में आस्था का सैलाब उमड़ता था। भगत पूरे भारतवर्ष से सोलन में माता शूलनी के दर्शन करने आते थे, लेकिन अब सभी मायूस नजर आ रहे हैं। इस मौके पर मंदिर के पुजारी आचार्य अभिषेक शर्मा और भक्तों ने कहा कि उन्हें आशा थी कि 8 तारीख को मंदिर के कपाट खुल जाएंगे, लेकिन प्रदेश सरकार ने एहतियातन नहीं खोला है, जिसको लेकर उन्हें थोड़ी मायूसी हाथ लगी है। अभी भी शूलनी माता का आशीर्वाद नहीं ले पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन जो कदम प्रदेश सरकार उठा रही है वे सभी के हित में है, इसलिए हमें और संयम रखने की आवश्यकता है। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि जून माह में माता की डोली शहर में निकलती है, इसके लिए उन परंपराओं में भी कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। सभी सोलनवासी चाहते हैं कि माता की डोली उसी शान और शौकत से निकले जैसे पहले निकलती थी। उन्होंने कहा कि सारा सोलन माता शूलनी के आशीर्वाद से सुरक्षित है और भविष्य में भी यही कामना करते हैं। ये लोगों की आस्था देख कर तो यही लग रहा था कि भाई जैसे सरकार ने कहा है कि 8 तारीख को सभी जो देवी देवताओं के दरबार हैं, कपाट है, वो खुल जाएंगे, लेकिन ये जो आजकल महामारी और ये बीमारी फैली है, इस वजह से शायद सरकार को ये लगा कि अभी दरबार नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे लोगों की भीड़ हुई, तगात कई तगात में लोग यहाँ आएंगे दर्शन करने के लिए, तो हो सकता है वहाँ पे ये संक्रमण और ज़्यादा फैलने की खतरा सरकार को शायद लगा, तो इस वजह से अभी आगे ये डिले किया गया है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आपको क्या इंटीमेशन आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो अभी तक कोई हमें ज़्यादा सा नहीं खबर पहुंची है, लेकिन यही है कि 8 तारीख को खोलने के लिए कहा गया था और अभी आगे ये डिले किया गया है, यही हमारे तक अभी जानकारी पहुंची है। बाकी जनता के बीच क्या संदेश पहुंचाना चाहिए? जनता के बीच यही संदेश है कि जैसे अभी तक धैर्य जनता ने रखा है, श्रद्धालु ने रखा है, ऐसे ही धैर्य आगे भी बनाए रखें, और जब तक अगला कोई संदेश सरकार का हमें नहीं आता कपाट खोलने का, तब तक वे लोग अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। ये शूलनी माता हमारी वास्तव में है कुल देवी है जी। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे कि मेला आ रहा है 18 से जी। तो ये खोल देना चाहिए था सरकार को जी। जो खास खास जहाँ मेले वगैरह है, और मोर ओवर अगर वो डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम इसमें डिस्टेंस रख ही करेंगे। जैसे कि हमारा कार होती है, हमारी माता की कार होती है, जैसे कि पूरे बाजार में माता को घुमाते हैं जी जी। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि वो कार हमारी ना टूटे, बल्कि सरकार को यहाँ के DC SDM को इसका प्रबंध करना चाहिए कि हमारी हर साल की कार भी रहे और हम डिस्टेंस को भी कायम रखें, जबकि जैसे 50 आदमी के साथ ये चल सकता है, पूरी ये कार हमारी जा सकती है पूरी पूरे बाजार में, जैसे कि हम घुमाते हैं 2-3 दिन। हमारा ये पहले दिन हमारी माता दूसरी अपनी बहन के घर जाती है तो वहीं वो स्टे करेगी, फिर दूसरे दिन लोग वहाँ चढ़ाएंगे, और तीसरे दिन माता की डोली वापस आएगी यहीं को, इसी स्थान को। तो हमारा यही कहना है सभी लोगों का कि इसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि 18 जून से 23 जून तक, 18 जून से कुछ भी हमारी डेट जो फिक्स होगी प्रतिवर्ष मेले की, उसकी जो है उसको कायम रखा जाए, और हमारी जो है वार्षिक ये हमारा माता का उत्सव होता है, इसको जरूर मनाया जाए। जो है आपके जैसे कि सरकार ने बोला था कि कोई अगर मुख्य मुख्य मंदिर हैं तो उनको थोड़ा वहाँ उनको ट्रेनिंग दे के वो किया जाए, बाकी हमारे यहाँ तो सभी लोगों को पता है, मुख्यतः सभी लोगों को पता है कि हम डिस्टेंस रख के ही मंदिर में जाएंगे और आएंगे, इसलिए हमारा शूलनी माता का मंदिर सरकार को खोल देना चाहिए, क्योंकि प्रतिवर्ष इससे हमारी कुल देवी, इससे हमारी रक्षा होती है। एक वर्ष के लिए हमें इसको आधार मान करके, बड़ा निवेदन करके माता की डोली ले जाते हैं, क्योंकि ये एक हमारा माता का नियम है कि दूसरी अपनी बहन के घर जाती है और वहाँ इनका मिलन होता है,
और मिलन के पश्चात ही वापस अपने घर आती है। इसका अर्थ यही है कि ये सब जितने भी बाजार के वासी है सब लोगों की रक्षा करती है, तो ये तो सरकार को करना ही चाहिए। मेरा नाम परविंदर सिंह है, शूलनी माता मंदिर के पास 40 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। तो पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने लंबे समय तक कभी मंदिर बंद रहे, लेकिन कोरोना वायरस की बीमारी के कारण सरकार ने निर्णय लिया था कि मंदिर वगैरह जहाँ पे भीड़ होती है वो जगह को बंद किया जाए। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सरकार ने इंतजाम किए थे, यहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह भी रखे गए थे, हाथ धोने के लिए साबुन भी रखा गया था, मास्क वगैरह के लिए भी गाइडलाइन दी गई थी। सभी को उम्मीद थी कि 8 तारीख से मंदिर खुल जाएंगे, हम भी यही सोच रहे थे। पिछले 78 दिन से मंदिर बंद है और हमारी आर्थिक रूप से भी हम बहुत आजकल ऐसे महसूस कर रहे हैं कि खर्चे से बड़े तंग हो चुके हैं। सारे दुकानदार जो भी यहाँ पे हैं अब तो उधार ले कर खा रहे हैं, क्योंकि परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया, क्योंकि हमारा तो सारा कुछ जो भी है मंदिर के ऊपर ही है, क्योंकि लोग आते हैं प्रसाद वगैरह लेते हैं, हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है। तो बड़ी उम्मीद थी कि शायद अब खुल जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई इस तरह गाइडलाइन आई नहीं है।